बच्चों कैसे हो सब। मुझे पूरा विश्वास और यकीन है आज तुम सब लोग बहुत खुश होंगे। कारण ये ऐसा है, आज खूब झमाझम बारिश हो रही है जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिन से। कल थोड़ी सी बारिश हुई थी और आज तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है। और इसी बारिश के मौसम में हम लोग बारिश के मज़े लेते हुए फटाफट से अपनी वर्कशीट भी कर लेते हैं। और आज 14 जुलाई 14 जुलाई 2021 के लिए हमारी वर्कशीट है। और ये एक जेनरिक वर्कशीट है बेटा, जेनरिक सोशल साइंस वर्कशीट, 7th और 8th दोनों के लिए, वर्कशीट नंबर G8। तो तुमने ऐसे ही नोट करना है, जेनरिक वर्कशीट, वर्कशीट नंबर G8 और 14 जुलाई 2021। ठीक, आज की हमारी वर्कशीट बड़े ही लाइव एक टॉपिक पे है और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में हम सब लोग जानते हैं, हम लोग फेस टू फेस देख रहे हैं ऐसी पैंडेमिक, ऐसी महामारी के बारे में। जब मैं तुम्हारे जितना था तो हम बड़े लोगों से सुनते थे और बुक्स में पढ़ते थे कि ऐसी महामारी आती है जो कि पूरी दुनिया को प्रभावित करती है और वो लाखों करोड़ों लोग उससे प्रभावित होते हैं और हज़ारों लोग, लाखों लोग उससे मर जाते हैं। बट देखो, ये सौभाग्य तो नहीं कहेंगे बट एक कटु एक्सपीरियंस ज़रूर कहेंगे कि ये महामारी अब हम लोगों को लाइफ देखने को मिल रही है और जीवन में कुछ सबक भी सिखा के हम लोगों को जाएगी। तो हम लोग कोरोना वायरस के बारे में पढ़ते हैं, पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। कोरोना वायरस आज अ टाइप ऑफ वायरस, वैन यू यूजअली गेट सिक विद फ्लू, यू गेट फीवर, कोल्ड एंड कफ, एंड द डॉक्टर gives you the medicine and you get better. But when this evil coronavirus gives flu, it sometimes affects people breathing and weakens their lungs, which can lead to death. देखो भाई, वायरस बहुत सारे टाइप के होते हैं। हमारे आसपास के पर्यावरण में खूब सारे वायरस मौजूद हैं और हमारा शरीर उन वायरस से लड़ता रहता है, 24 घंटे लड़ता रहता है। हम जानते भी नहीं है कब कब लड़के और हमारा शरीर उन्हें हरा देता है। और हमें एक बीमारी जिसे हम कहते हैं फ्लू, देखो ये फ्लू शब्द दिया हुआ, इंग्लिश में भी फ्लू लिखा हुआ था। तो ये जो फ्लू वर्ड है ये हमें अक्सर होता रहता है, हमें खांसी होती है, सर्दी होती है, बुखार होता है, डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, हमारा फ्लू बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक, लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसा ख़तरनाक फ्लू हमें देता है। कोरोना वायरस भी हमें फ्लू ही देता है। कोरोना वायरस से जो बीमारी होती है कोविड, दैट इज़ ऑल्सो फ्लू, वो भी एक फ्लू बीमारी हमें देता है। लेकिन ये फ्लू कोरोना वायरस देता है तो बड़ा ख़तरनाक फ्लू होता है। और ये फ्लू क्या करता है, हमें खांसी, बुखार, सर्दी, ज़ुकाम ये देता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी सांसों को प्रभावित करता है। भाई देखो, मेन जो प्रॉब्लम इस फ्लू के साथ आती है वो हमारी सांसों को प्रभावित करता है और शरीर को कमज़ोर बना देता है, जिससे लोगों की मौत भी हो जाती है। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस की पिक्चर दी हुई है, कुछ ऐसे ही दिखता है कोरोना वायरस। और इस वायरस के वेरिएंट्स बहुत सारे हैं, तुम लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आजकल तो बहुत सारे वेरिएंट्स इसके फैले हुए हैं। और देखो, कुछ वेरिएंट्स के टेक्निकल नाम दिए हुए हैं। पहला नाम तो मैं यहाँ दिया हुआ है B.1.1.7 अल्फा, देन B.1.1.351 बीटा, देन P.1 गामा, और उसके बाद ये तुम्हारा वेरिएंट है B.1.617.2 डेल्टा। देखो, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सेम ये इंग्लिश में दिए हुए तुम्हें। देखो तुम इसको, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और अब तो डेल्टा प्लस हो गया भाई वायरस। ठीक है, दीज वेरिएंट्स सीम्स टू स्प्रेड मोर इजीली एंड क्विकली देन अदर वेरिएंट्स, विच में लीड टू मोर केसेस ऑफ COVID-19। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस विल पुट मोर स्ट्रेन ऑन हेल्थ केयर रिसोर्सेज, लीड टू मोर हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोटेंशियली मोर डेथ्स। देखो भाई, ये वायरस जब म्यूटेट करता है अपने आप को तो पहले से ज़्यादा खतरनाक अपने आप को बना लेता है। पहले जो इस पर दवाइयाँ असर कर रही होती हैं, म्यूटेशन के बाद वो दवाइयाँ इस पर असर करनी बंद कर देती हैं, कम असर करती हैं। और इससे क्या होता है, ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होने लगते हैं, ज़्यादा लोग प्रभावित होने लगते हैं तो दबाव किस पर आता है, संसाधनों पर।
अस्पताल में ज़्यादा मरीज भर्ती होने लगते हैं, डॉक्टर्स को ज़्यादा मरीजों का इलाज करना पड़ता है और इलाज ठीक से हो नहीं पाता तो उनकी मौत भी हो जाती है। अब इसमें बेटा दो तीन चीज़ें तुम्हारे सोचने की, क्योंकि तुम बढ़ते हुए बच्चे हो। एक तो इसमें यह है कि लोग लापरवाही बहुत करते हैं। आज तुम देखो जितने भी हिल स्टेशन हैं सब पे बहुत सारे टूरिस्ट गए हुए हैं और किसी भी प्रोटोकॉल को ना तो वो दूरी मेंटेन कर रहे हैं 2 गज की, ना वो मास्क पहन रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा, कोरोना वायरस स्प्रेड होगा। और दूसरी एक बहुत बड़ी थ्रेट हमारी कंट्री में हमारी पॉपुलेशन है। हमारी पॉपुलेशन जितनी है उसके मुकाबले हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तो बहुत कम है। अब दो रास्ते बनते हैं, या तो हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, थोड़ा कम करें, या अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ाएं। अब हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे बढ़ेगी, डॉक्टर्स बढ़ने से। डॉक्टर कैसे बढ़ेंगे, जो बच्चे पढ़ेंगे तुम जैसे वही तो आगे डॉक्टर बनेंगे। आजकल तुम लोग 7th में हो, 8th में हो, बट तुम में से बहुत सारे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। आज जिसको कोरोना वायरस टॉपिक अच्छा लग रहा है, जिसको ठीक से समझ रहा है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे डॉक्टर बनने के। क्यों? क्योंकि तुम्हें ही बड़े होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लीडर्स बनना है, टीचर्स बनना है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से तुम्हारे लिए समझना ज़रूरी है। अब तक अध्ययनों से पता चलता है कि मौजूदा टीके, अधिकृत टीके सर्कुलेटिंग वायरस पर काम करते हैं। भारत में कौन कौन से टीके उपलब्ध हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और बाकी और भी टीके हैं पूरी दुनिया में लग रहे हैं, फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोफार्म, कोरोना वैक, नोवा वैक। ये देखो कितने सारे टीके अपना हमारे वैज्ञानिकों ने जल्दी से बना लिए हैं। और इसमें मजेदारी वाली बात बताता हूँ तुम्हें, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, इंडिया में 3 टीके मौजूद हैं। ये फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, जैनसन, सिनोफार्म, कोरोना वैक और नोवा वैक, ये तो विदेशी टीके हैं। इसमें एक टीका बड़ा इम्पॉर्टेंट है भाई, देखो तुम्हारे लिए, और वो टीका है ये कोवैक्सीन। कोवैक्सीन है ये ऐसा टीका है जिसको पूरी की पूरी तरह भारत में बनाया गया है और भारतीय टीका है। और अभी जो WHO स्टडी कर रहा है, कोवैक्सीन एक ऐसा टीका है जो कि कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पे कामयाब है। ठीक, चलो कुछ बातें कर लेते हैं, अपने आप को कोरोना वायरस से कैसे सुरक्षित रखें। तो पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले उपलब्ध होते ही वैक्सीन लगवानी है भाई। तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए वैक्सीन अभी नहीं आई है, लेकिन बड़ों के लिए आ चुके। अपने पेरेंट्स को बोलना है कि फटाफट से वैक्सीन लगवाएं जैसे ही उपलब्ध हो। अपनी और दूसरों की सुरक्षा में मदद करने के लिए अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह ढकने वाला मास्क पहने। मास्क कुछ लोग पहन लेते हैं, तुमने भी नोट किया होगा, उनकी नाक बाहर झांकती रहती है मास्क से, है ना। तो फ़ायदा क्या हुआ मास्क पहनने का, ऐसे मास्क पहने कि नाक और मुंह पूरी अच्छी तरह ढका रहे। जो आपके साथ नहीं रहते उनसे 6 फीट की दूरी बना के रखें। देखो भाई, इस लाइन का बड़ा महत्व है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, छोटे बच्चे साथ रहते हैं, तो जब हम एक ही घर में साथ रह रहे हैं तो उनसे 6 फीट की दूरी नहीं बना सकते हम कि मम्मी पापा मैं तो आपसे 6 फीट दूर रहूँगी, ठीक है, या फिर आपसे 6 फीट दूर रहूँगा, नहीं। हम लोग तो साथ ही रहते हैं, लेकिन जो लोग हमारे पड़ोसी हैं, दुकानदार हैं, या बाहर हम जिन लोगों से मिलते हैं उनसे 6 फीट की दूरी बना के रखें। भीड़ भाड़ और ख़राब हवा वाले जगह में जाने से बचें, क्योंकि जो जगह बंद होगी ना वहाँ पर कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज़्यादा होगा। एक खुला मैदान है, खुला पार्क है, अगर तुम वहाँ जा रहे हो तो वहाँ पे कोरोना वायरस का खतरा कम होगा, बशर्ते कि वहाँ भीड़ भाड़ ना हो। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से अच्छे से धोएं और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ठीक, तुम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो आजकल कोरोना वायरस पे हर बच्चे की नॉलेज सबसे अच्छी और अपडेटेड है। देखो, गेट अ कोविड वैक्सीन व्हेनेवर इट इज़ अवेलेबल, ठीक है, वियर अ मास्क, सेकेंड थिंग आ जाती है कवर योर नोज एंड माउथ प्रॉपरली, और स्टे 6 फीट अपार्ट। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है अवॉइड क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड इंडोर्स, वॉश योर हैंड्स, एंड नेक्स्ट है यूज सैनिटाइजर्स इफ सोप एंड वाटर इज नॉट अवेलेबल। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रायोरिटी देनी है सोप एंड वाटर को। ठीक, सोप और वाटर अवेलेबल नहीं है तो हम फिर किसको यूज़ करेंगे, सैनिटाइजर को। ठीक, अब तुम्हारे लिए 5 questions भी भाई दिए हुए हैं, और 5 question क्या हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोरोना वायरस, इसके आंसर भी इसी वर्कशीट में छिपे हुए हैं। व्हाट इज़ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखो कोरोना वायरस आर टाइप्स ऑफ वायरस, देखो यहाँ पर
ये तुम्हें आंसर भी साथ के साथ दिया हुआ है। ठीक, ऐसे हिंदी में भी कोरोना वायरस क्या है उसका आंसर साथ के साथ दिया हुआ, तुम्हें ऊपर वाले बॉक्स में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तुम्हें ढूंढना है उसमें से। सेकंड है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट। देखो कोरोना वायरस के सिम्टम्स भी फर्स्ट बॉक्स में दिए हुए हैं बहुत अच्छे से। ठीक, और नीचे भी नीचे की लाइन में भी है जो हमारी ब्रीथ से रिलेट करके बताया हुआ है, ये भी यहाँ से देख के लिखना है। हाउ कैन यू गेट क्योर्ड फ्रॉम इट, कोरोना वायरस से ठीक कैसे हो सकते हैं हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। देखो इंग्लिश और हिंदी में दो अलग अलग क्वेश्चन आ गए। हिंदी में तो है कि हम उससे बचाव कैसे कर सकते हैं कोरोना वायरस हमारे पास ही ना आए, और इंग्लिश में हम उससे ठीक कैसे हो सकते हैं। तो इंग्लिश में भी हम उससे कैसे, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, ठीक है ये तुम कर सकते हो। तो प्रिवेंट इट, उससे बचाव कैसे कर सकते हो, वो यहाँ पर इस बॉक्स में दिया गया है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, कौन कौन सी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं कोविड की। तो कोविड की वैक्सीन हमें यहाँ पर दी गई हैं, हमारे इंडिया में जो मौजूद है और पूरे वर्ल्ड में जो मौजूद है। व्हाट आर द वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया अगेंस्ट कोरोना वायरस का आंसर तुम्हें मिल जाएगा। व्हाट आर द डिफरेंट वेरियंट्स ऑफ कोरोना, अब कोरोना के वेरियंट्स कौन कौन से हैं भाई। देखो यहाँ पर ये वेरियंट्स दिए हुए तुम्हें इस बॉक्स में, अभी मैंने पढ़ के बताए थे। तो कोरोना के वेरियंट्स के नाम तुम यहाँ से लिख सकते हो। अब इसके बाद तुम्हें दो क्वेश्चन के आंसर्स दें, दो एक्टिविटी तुम्हें करनी है। एक तो एक्टिविटी ये है कि तुम्हें बताना है कि कोविड का फर्स्ट केस कहाँ पाया गया था, कोविड का फर्स्ट केस मामला कहाँ पाया गया था। सबको पता है हमारे पड़ोस की कंट्री में मिला था, चाइना में जी। सेकंड एक्टिविटी है कि हमें कोई ऐसा स्लोगन बनाना है जिस स्लोगन को हम सबको सुना के उन्हें प्रेरित कर सकें कि वो वैक्सीन लगवाएं। जैसे हमारे देश में आजकल एक स्लोगन बहुत अच्छे से चल रहा है, दो गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। ठीक, और भी कई सारी एड्स टीवी में आती रहती हैं जो हमें प्रमोट करती हैं कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए। तो तुम्हें भी एक स्लोगन बनाना है, एक पोस्टर बनाना है जिससे सुन के लोगों को लगे कि वाह ये तो अब कोरोना वायरस के टीके की इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आ गई और मैं ज़रूर लगाऊंगा। ठीक, अब हमें ना एक छोटी सी टेबल में एक्टिविटी और करनी है। देखो हमें क्या क्या काम करने हैं। नंबर एक तो ये हमें ये पांच क्वेश्चंस करने हैं भाई, ये वाले पांच क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने गोले में तुम्हें बताए, ये वाले पांच क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमें ये एक एक्टिविटी भी करनी, ये टेबल भरनी है भाई, ये वाली। अब इस टेबल को कैसे भरना है, इसमें जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनकी हमें डिटेल इकट्ठी करनी है। तुम्हारे घर में वैक्सीन लगवाई है किसी ने, बाहर नहीं जाना है, जिन लोगों से नहीं मिलना है कि तुम चले जाओ पड़ोस के चार घरों में पूछने वैक्सीन किसने लगवाई है, कहाँ से लगवाई है। हाँ, अगर पड़ोस से पूछना है तो फ़ोन पे पूछो, क्यों दूरी बना के रखनी है। ऐसा मत करना पड़ोस के अंकल आंटी से मिलने उनके घर पहुँच जाओ, दूरी बना के रखनी है ना, सेफ रहना है हमें। तो तुम फ़ोन पे जानकारी मांग लो, व्हाट्सएप पे जानकारी मांग लो, या फिर अपने परिवार के मेम्बर्स की जानकारी सबसे पहले मांगो। तुम्हें दो लोग मिलते हैं तो दो की लिख लो, ज़रूरी नहीं चार की लिख लो। अगर तुम फ़ोन पे चार पांच लोगों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो तो चार पांच लोगों की लिख लो। ठीक, अब हमें इसमें लिखना क्या है, नंबर एक पे तो भाई हमें लिखना है सीरियल नंबर, यहाँ लिख देना 1, नीचे 2, नीचे 3। फिर हमें उसका नाम लिखना है फैमिली मेम्बर का कि क्या नाम है, उम्र लिखनी है, कौन सी वैक्सीन लगवाई। देखो कौन सी वैक्सीन में ना तुम्हें दो ही वैक्सीन नज़र आएंगी जो लोगों ने लगवाई हैं, एक तो कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ज़्यादातर लोगों ने यही लगवाई हैं क्योंकि इंडिया में यही अवेलेबल है। नेक्स्ट हमें उनसे पूछना है कि आपने जो दोनों टीके लगवाए, पहली बार लगवाए और दूसरी बार लगवाया, उन दोनों के बीच में कितने डेज का गैप था। ठीक, ये लिख दोगे, और वैक्सीनेशन सेंटर का नाम कि वैक्सीन कहाँ जाके लगवाई, किसी डिस्पेंसरी में लगाई तो उसका नाम, किसी स्कूल में लगवाई तो उसका नाम। ठीक, और आज की वर्कशीट को हमें अपने घर में सबके साथ डिस्कस करना है, उन्हें पूछना है, बताना है। और जितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं ना बेटा, ये 7th और 8th के लिए नहीं, यूनिवर्सल है, सबके लिए है। तो तुम अपने पेरेंट्स से भी पूछना और अपने भाइयों से भी बहनों से भी सबसे तुमने पूछना है। और ये इस एक्टिविटी की इस में सबको शामिल करना है, नारे बनाने में शामिल करना है, और इस वर्कशीट की इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर करना है।
तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कोई छोटी सी भी कंफ्यूजन होती है तुम लोग मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। लेकिन इस वर्कशीट में जितने कंटेंट दिए गए हैं उन्हें हम सबको ध्यान से सीखना है, समझना है और अपनी डेली लाइफ में उनको प्रैक्टिस करनी है बेटा। इसमें जो चीज़ें तुम्हें बातें दी गई हैं ये तुम्हें लिखने से ज़्यादा अपनानी है, लिखनी तो है ही है अपनानी भी है। ठीक, चलो आज एक और इम्पोर्टेंट बात हमें सीखनी है, समझनी है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, छोटा हो बड़ा हो, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, क्या होती है सबसे बड़ी चीज़? यस, सबसे बड़ी चीज़ होती है देश, हमारी कंट्री, पहले देश पीछे से शेष। हमें अपने देश से खूब प्यार करना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे देश को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। अपने देश का नाम रोशन करना है और अपने देश को इस दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाना है। और सबसे अच्छा देश कैसे बनाएगा, बनेगा हमारा देश जब हमारे देश के बच्चे मजबूत होंगे, होशियार होंगे, ताकतवर होंगे। तो जब तुम खाना खाते हो तो ये सोचा करो हमारा देश मजबूत बन रहा है, जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो ये सोचा करो हमारा देश मजबूत बन रहा है। तो तुम मजबूत बनोगे उससे देश मजबूत बनेगा। अपने देश के साथ खूब सारा प्यार करो और अपने देश को मजबूत बनाने के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करो। ओके बेटा, थैंक यू।